आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भिंडी की ये मसालेदार सब्जी। भिंडी फ्राई तो आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखें। ये भिंडी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। एक कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको सब्जियां बता देती हूँ। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, 2 मीडियम आलू को स्लाइस कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रेडी किया है आधी कटोरी। एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया और एक हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे स्लिट करके रखा है। 2 मीडियम प्याज को मैंने यहाँ बारीक काट लिया है। आधी प्याज मैंने यहाँ स्लाइस कर ली। ये सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगती है तो थोड़ी सी स्लाइस करके भी डालें। तेल गर्म हो गया, अब इसमें आलू फ्राई कर लेते हैं। पहले आलू को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि जब हम इसे भिंडी में ऐड करें तो ये फटाफट से गल जाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे अलग रख देंगे। उसी ऑयल में अब भिंडी डाल के फ्राई करेंगे। तो ये है 250 ग्राम भिंडी जिसे मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छी तरह धोकर उसको पोंछ लें, उसके बाद कट करके रखें और फिर ही ऑयल में डालें। भिंडी को भी शैलो फ्राई करेंगे, 1-2 मिनट लगते हैं। बस मीडियम आँच पर इसको फ्राई करें, लगातार चलाते रहें। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हल्की ब्राउनिश सी हो गई है, इसका मतलब ये भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा और देखने में भी ये बढ़िया लगती है। इसे निकाल के अलग रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में ये सब्जी और भी स्वादिष्ट लगती है। जब इसमें धुआं आने लग जाए तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ ले रही हूँ। जीरे की जगह सौंफ डालें, बहुत बढ़िया लगती है। 2 चुटकी हींग डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज जो हमने रखी है। ये 1 कटोरी प्याज है। इस बारीक कटी हुई प्याज से जो मसाला है वो तैयार होगा और जो ये प्याज है स्लाइस करी हुई, ये सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो अब हम इसको डाल देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सी सुनहरी हो जाए। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और गोल्डन हो जाए तब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे। तो अभी जो मैंने बारीक काट के रखी वही ऐड कर रही हूँ, बाकी बाद में डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं 1 चम्मच। अब इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, इसीलिए जब प्याज पूरी तरह फ्राई ना हो तभी आप दोनों चीज़ें डाल दें, नहीं तो प्याज फिर जलने लगेगी। अब देखिए ये प्याज आप देख सकते हैं सुनहरी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है। अब टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इस तरह लगातार चलाते हुए टमाटर को भूनें। थोड़ी देर में आप देखेंगे मसाला गाढ़ा होने लग गया है, तब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। इसे फ्राई करने में मुझे बस 1-2 मिनट का टाइम लगा। अब डालते हैं इसमें मसाले। तो मैं सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे इसमें। बिल्कुल सिंपल मसाले हम यहाँ पर मिला रहे हैं। अब डाल रहे हैं नमक 1/2 चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले लें, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक मसाले डाले हैं। मसालों को भी अब प्याज टमाटर के साथ थोड़ा फ्राई कर लें ताकि उनका कच्चापन निकल जाए और कलर भी बढ़िया आए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी और साथ ही आलू डाल दिए जो हमने फ्राई करके रखे हैं। भिंडी भी मैं साथ ही में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों बिल्कुल फ्रेश आलू और भिंडी मैंने लिए थे। इसको गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से फ्राई भी कर लिए थे। अगर आपको लगे आलू गलने में टाइम लग रहा है तो पहले उसे थोड़ा ढक के गला लें, उसके बाद भिंडी ऐड करें। तो देखिए ये बढ़िया सा मिक्स हो गया है मसाला, सभी आलू भिंडी के पीसेस पे कोट हो जाए तब तक आप इसको मिक्स दें। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ बस 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको लगे आप बीच में चेक कर लें। देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। 2-3 मिनट बाद ही ये भिंडी आलू जो हैं गलने लग गए हैं, बढ़िया सा मसाला भुन गया है। तो अच्छी तरह चेक कर लें, अगर आपको लगे कि ये सब्ज़ी गल गई है तो बस ये परफेक्ट स्टेज है। 1-2 मसाले और ऐड करेंगे अब इसमें। ये भिंडी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ अमचूर पाउडर ऐड कर रहे हैं टेस्ट के लिए, और साथ ही अगर कोई इसमें स्टिकीनेस हो तो वो भी हट जाती है। 1/2 चम्मच में बनावा ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला। तो ये मसाले डालने के बाद तो इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो गया है। देखने में तो ये बढ़िया लगी रही है। अब देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से, नहीं तो फिर ये भिंडी के पीसेस क्रश हो जाएंगे। बढ़िया से गल गई है, भुन भी चुका है मसाला, सर्व करने के लिए तैयार है। चपाती हो या पराठा या फिर लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।